रैप रोबोट बॉस 100 रोबोटों से बाहर निकलना चाहता है। एक रोबोट के रूप में प्रच्छन्न ने एक मानव को खोजे। मैंने उसे एक माचे को उठाते हुए और चारों ओर खोजते हुए देखा, लेकिन कुछ खोज के बाद भी मुझे यह नहीं मिला। जैसा कि सभी जानते हैं, असली इंसान वास्तव में उसके बगल में है। इस समय आदमी इतना डर गया था कि उसे पसीना आ रहा था। सौभाग्य से उनके पास एक मजबूत मनोवैज्ञानिक गुण है। यह नहीं मिला। जितनी जल्दी हो सके मनुष्यों को खोजने के लिए, बॉस तुरंत एक अच्छा विचार लेकर आया। मैंने देखा कि उसने अपने सभी आदमियों को अपना सिर घुमाते रहने दिया। इसमें लंबा समय नहीं लगा, आदमी ने अपनी बनियान प्रकट की। बॉस यह देखकर बहुत खुश था। मैंने आखिरकार इसे पा लिया। मैंने उसे सीधे आदमी के मुंह में पिस्तौल भरते हुए देखा, उसे सीधे मारने के लिए तैयार है। लेकिन जैसे ही वह गोली चलाने वाला था, बड़ी संख्या में सैनिक भाग गए। रोबोट पर लगातार हमला करने लगे। यह देखकर रोबोट बॉस ने जल्दी से अपने सभी आदमियों को एक गेंद में घेर लिया। इस ऑपरेशन ने सीधे उपस्थित सैनिकों को बेवकूफ बना दिया। उनके जवाब का इंतजार नहीं किया, रोबोट अचानक घूमने लगा, फिर सैनिकों के खिलाफ पलटवार किया। 3 या 2 कौशल ने अंदर के सभी सैनिकों को नष्ट कर दिया। फिर रोबोट बाहर भाग गया और भागने की कोशिश की। अप्रत्याशित रूप से सेना अच्छी तरह से तैयार है। एक दर्पण के साथ दुश्मन की आंखों को झूठ बोलने की कोशिश कर रहा है। यह देखते हुए कि स्थिति अच्छी नहीं है, बॉस ने जल्दी से गठन को समायोजित किया। अपने आदमियों को बाहर निकलने दें और सभी दर्पणों को तोड़ दें, फिर वापस उड़ गया। जब सिपाही ने यह देखा तो उसने तोपों के गोले से हमला किया, लेकिन वे बिल्कुल भी मदद नहीं कर सके। यह देखते हुए कि सेना अभी भी रोबोट बॉस पर हमला कर रही है, पूरी तरह से नाराज है। फिर एक और भयानक रूप बदल दिया। मैंने देखा कि उसने सभी रोबोटों को 100 मीटर लंबे स्टील में देखा, अधिक हिंसक पलटवार शुरू करने के लिए तैयार।